हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है रेफ्रिजरेंट। इस वीडियो में हम रेफ्रिजरेंट से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने वाले हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेंट होता क्या है, रेफ्रिजरेंट की हिस्ट्री क्या है। रेफ्रिजरेंट की हिस्ट्री जानने के बाद आपको पता लगेगा कि एक टाइम पीरियड के बाद रेफ्रिजरेंट के अंदर कितने सारे चेंजेस आए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेंट का जो नामकरण है वो किस तरीके से किया जाता है या किस प्रोसेस से किया जाता है। रेफ्रिजरेंट एक बड़ा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी, तो इस वीडियो को हमने 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये इसका पहला पार्ट है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी अगली आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब जान लेते हैं रेफ्रिजरेंट के बारे में। तो पहला सवाल आता है, व्हाट इज रेफ्रिजरेंट या रेफ्रिजरेंट होता क्या है। तो रेफ्रिजरेंट जो वर्ड है, इसका जो ओरिजिन है यानी कि उत्पत्ति है, ये लैटिन शब्द रेफ्रिजरे से होता है, जिसे हम इंग्लिश में रेफ्रिजरेंट कहते हैं। इसका मतलब है मेकिंग कूल। हिंदी में इसको शीतलक कहते हैं, मतलब ऐसा कोई पदार्थ जो ठंडक उत्पन्न करता हो उसको हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेफ्रिजरेंट इज द हीट कैरिंग मीडियम, यानी कि रेफ्रिजरेंट एक हीट कैरिंग मीडियम है जो हीट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ले जाता है। रेफ्रिजरेंट ऊष्मा ट्रांसफर करने का एक माध्यम है, जिससे रेफ्रिजरेंट क्या करता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक रेफ्रिजरेंट को ले जाने का काम करता है। जैसे कि अगर आप कंप्रेशन साइकिल की बात कर लें, या कंडेंसेशन कह लें, या एक्सपेंशन कह लें, एवेपोरेशन में क्या होता है, हीट कैरी करके रेफ्रिजरेंट एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाता है। अब जान लेते हैं रेफ्रिजरेंट की हिस्ट्री के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कूलिंग जनरेट करने के लिए, जब कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं हुआ करते थे, या ये कह लीजिए गैसेस का उतना ज़्यादा इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो नेचुरल आइस और मिक्सर ऑफ आइस एंड सॉल्ट का यूज़ किया जाता था। ये आप अभी भी अपने घर पे कर सकते हैं। अगर आपका कोई बंद कमरा है, उसमें एक बड़ी सी बर्फ़ ला के रख दीजिए, तो आपको कुछ देर बाद दिखेगा वो कमरा आपका ठंडा हो चुका है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। उसके बाद 1834 में फर्स्ट रेफ्रिजरेंट निकल के आते हैं, आपके अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज, जिनका यूज़ नेचुरल आइस के बाद 1834 के बाद रेफ्रिजरेंट के रूप में होने लगा। इनमें हम रेफ्रिजरेशन मशीन्स भी यूज़ करते थे, जिसमें कंप्रेसर, कंडेंसर हो गया, एवेपोरेटर जैसे पार्ट्स हुआ करते थे, और रेफ्रिजरेंट को कंप्रेशन साइकिल के थ्रू फेस चेंज करके कूलिंग जनरेट करी जाती थी। तो पहले जो था वो नेचुरल आइस यूज़ करी जाती थी, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया जैसी गैसेज आई। उसके बाद 1928 में थॉमस मिडगले नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने फर्स्ट नॉन फ्लेमेबल, नॉन टॉक्सिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस का इन्वेंशन किया, जिनको हम फ्रियोन गैसेस भी कहा जाता है। 1928 से पहले कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया जैसे गैसेस का यूज हुआ करता था, बट बाद में 1928 के बाद में इनकी रिप्लेसमेंट की जगह पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस का यूज होने लगा, जो कि नॉन फ्लेमेबल यानी कि जिसमें जलने की क्षमता कम हो और कम विषैली गैसेस हैं, इनको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस कहा जाता है या कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया जैसी गैसेस ज़्यादा फ्लेमेबल या लीक होने पे आग लगने का खतरा ज़्यादा रहता था, इसलिए इनकी जगह पे, इनके रिप्लेसमेंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस का यूज़ होने लगा। बट शुरुआती 1980 में जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवर किया या पता लगाया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस हैं उससे बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है हमारी ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर जो हमारी पृथ्वी को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, जो स्किन कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इन गैसेस के थ्रू ओजोन लेयर को डैमेज ना पहुंचे, इसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया 1989 में, जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इसमें कई देशों ने साइन किए। इस प्रोटोकॉल के तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस में कई सारी गैसेस ऐसी हैं जो कि ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। तो इस प्रोटोकॉल के तहत उन सारी गैसेस को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस में कुछ ऐसी गैसेस थी जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई, जैसे कि R22 और R123, जिनका यूज़ बहुत अधिक मात्रा में होने लगा, क्योंकि इस गैस का ओजोन डिप्लीकेशन पोटेंशियल क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस से बहुत कम था, इसलिए इसका यूज़ अधिक मात्रा में होने लगा। बट स्टिल इसका जो ओजोन डिप्लीकेशन पोटेंशियल है वो जीरो नहीं था, जिस कारण से इसका भी डिस्कार्ड कर दिया गया या इन गैसेस को भी पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। अभी भी कई जगहों पे इन गैसेस का यूज़ होता है, जिसको अब धीरे धीरे चेंज किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन दो टॉपिक्स या इन दो टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि आगे चल के वीडियो में बहुत बार आने वाले हैं। एक है ODP, ओजोन डिप्लीकेशन पोटेंशियल। इसका मतलब होता है ओजोन को
कौन सी रेफ्रिजरेंट कितनी ज़्यादा क्षति पहुंचाती है, डैमेज पहुंचाती है, उसका जो परसेंटेज है उसको मेज़र किया जाता है ओडीपी में। उसी तरह दूसरा है जीडब्ल्यूपी, जिसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जिसका मतलब होता है कौन सी रेफ्रिजरेंट कितना कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग में, कितनी सहायक है ग्लोबल वार्मिंग में, उसको मेज़र किया जाता है जीडब्ल्यूपी से। तो ये दोनों टर्म्स आगे चल के बहुत बार यूज़ होने वाले हैं, आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ओडीपी का मतलब ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल, और वहीं जीडब्ल्यूपी का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इन दोनों टर्म्स के थ्रू रेफ्रिजरेंट का वो जो ओडीपी है और जीडब्ल्यूपी है वो मेज़र किया जाता है। तो चलिए बढ़ते आगे वीडियो में। 1990 और 2000 के बीच में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नामक गैसेस का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ या इनको प्रमोट किया गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस के रिप्लेसमेंट के रूप में, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था, उसकी जगह पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसेस का यूज़ होने लगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का ओजोन डिप्लिकेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, बट जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसेस हैं इसका ओजोन डिप्लिकेशन तो ना के बराबर था, बट इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल था वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भी बहुत ज़्यादा था, जो कि एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो जो आप स्क्रीन पे रेफ्रिजरेंट या गैसेस देख पा रहे हैं ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसेस हैं, जिसमें R123, R134a, R404a जैसी गैसेस शामिल हैं। 2010 में एक और चेंजेस आया रेफ्रिजरेंट में, जहां पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के रिप्लेसमेंट में हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन का यूज़ करने लगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इन गैसेस का यूज़ होने लगा, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसेस का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस से बहुत ज़्यादा था, जिससे कि हमारे अर्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है, यानी कि जो क्लाइमेट चेंजेस हैं वो बहुत तेज़ी से हो सकते हैं। तो जो ये रेफ्रिजरेंट हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन्स, इनका जो ओडीपी है और जीडब्ल्यूपी है वो बहुत ज़्यादा कम था, जिसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भी शामिल है। तो जो हाइड्रोकार्बन्स या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको नेचुरल रेफ्रिजरेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में आपको आसानी से मिल सकती है। तो जैसे कि आपने देखा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के रिप्लेसमेंट में हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ किया जाने लगा, क्योंकि इसकी ओडीपी और जीडब्ल्यूपी दोनों ही जीरो है। तो चलिए दोस्तों, इस चार्ट के थ्रू रेफ्रिजरेंट की जो हिस्ट्री है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 1830 से लेकर 2010 के बीच में आपको रेफ्रिजरेंट की चार जनरेशन दिखेगी, यानी कि इसमें कई सारे ऐसे रेफ्रिजरेंट हैं जिनको बैन कर दिया गया और उसकी जगह पे या उसके रिप्लेसमेंट में नए रेफ्रिजरेंट का यूज़ होने लगा। तो 1830 में फर्स्ट जनरेशन के जो रेफ्रिजरेंट हैं उनका यूज होता था, फिर सेकेंड जनरेशन आई, फिर थर्ड जनरेशन में हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस जो थी उनका इन्वेंट हुआ या इन्वेंशन हुआ, उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसेस आई, मॉनिटर प्रोटोकॉल आया, क्योटो प्रोटोकॉल आया, इनको आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ उनके बारे में। उसके बाद हाइड्रोकार्बन गैसेस आई जो कोई फोर्थ जनरेशन की हैं और अभी भी चल रही हैं। इसके बाद फ्यूचर में रिसर्च अभी जारी है, शायद इनसे बेहतर और गैसेस का इन्वेंशन हो पाए और हमें कोई दूसरी रेफ्रिजरेंट देखने को मिले आगे चल के। तो चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं इंडिया में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस के फेज आउट शेड्यूल के बारे में। इंडिया 1992 में मॉनिटर प्रोटोकॉल्स को ज्वाइन करता है या साइन करता है, उसके बाद से इंडिया भी मॉनिटर प्रोटोकॉल के सभी लॉ को फॉलो करता है। मॉनिटर प्रोटोकॉल की 9th मीटिंग में कुछ डिसीजन लिए गए, जिसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस का जो प्रोडक्शन है और कंजक्शन है उसको फिक्स कर दिया गया। दूसरा, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए इन गैसेस का जो यूज़ है उसको एक डेडलाइन दे दी गई, जिसके बाद से उसका यूज़ ना हो पाए। तो आप ये जो चार्ट देख पा रहे हैं ये इंडिया का एक टारगेट चार्ट है, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जो खपत है या यूज़ है उसको दर्शाया गया है। तो आप फर्स्ट में देखेंगे 2015 तक इसका यूज़ 90% तक कर दिया गया था, उसके बाद से 2020 में इसका यूज़ 65% तक कर दिया गया, फिर 2025 में इसका यूज़ 35% तक कर दिया जाएगा और 2040 तक इसको एक तरीके से पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो मई 22, 2017 में इंडिया सेकेंड स्टेज का एक डिसीजन लेते हैं, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसेस की जगह पे दूसरे रिप्लेसमेंट रेफ्रिजरेंट्स यूज़ करे जाएंगे, ये डिसीजन लिया गया। अभी जो करंटली या प्रेजेंटली जो बात करी जाए, अभी भी कुछ गैसेस ऐसी हैं जिनका यूज़ अभी भी किया जा रहा है और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हेलोएंस हैं उनको पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया गया है इंडिया में,
और जो बची गैसेस हैं उनका भी डिस्कस कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं इंटरनल ट्रीटीज के बारे में। मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय संधि हैं जिनके तहत पर्यावरण की जो सुरक्षा है उसके तहत कुछ नियम बनाए गए हैं। मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल जैसे कि पहले भी आपको बताया था ओजोन लेयर के लिए एक नियम है जिसके तहत जो भी रेफ्रिजरेंट या कोई भी सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाता है उसका यूज़ पूरी तरीके से बंद कर देना या उसको पूरी तरीके से बैन कर देना, तो इसमें कई देशों ने साइन किए हैं। उसी तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल भी एक लॉ है या नियम है जो 1992 में निकल के आता है। इसके तहत जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है यानी कि जो ग्रीन हाउस या जो क्लाइमेट चेंजेस को ज़्यादा इफेक्ट या कंट्रीब्यूट करती हैं गैसेस या कोई भी सब्सटेंस उसका यूज़ पूरी तरीके से बंद करने के लिए इस क्योटो प्रोटोकॉल को बनाया गया है, जिसके तहत कई सारी ऐसी गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं या कंट्रीब्यूशन करती हैं अपना, जिसके वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। अब जान लेते हैं आइडियल रेफ्रिजरेंट के बारे में जिनको हम आदर्श गैस कहते हैं। तो दोस्तों आपके मन में कभी सवाल आता होगा कि इतने सारे रेफ्रिजरेंट बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी या एक ही रेफ्रिजरेंट का यूज़ हम सारे एप्लीकेशन में क्यों नहीं कर लेते। तो इसलिए रेफ्रिजरेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए कई सारे रेफ्रिजरेंट का यूज़ किया जाता है अलग अलग एप्लीकेशंस में। तो एक कल्पना कह लीजिए या एक तरीके से सोच कह लीजिए, तो एक तरीके का जो आदर्श रेफ्रिजरेंट है या आइडियल रेफ्रिजरेंट है वो एक सोच या कल्पना है जिसमें सारे के सारे एडवांटेज होंगे। कोई ऐसी गैस या ऐसी कोई रेफ्रिजरेंट जिसमें सारे के सारे एडवांटेज होंगे उसको हम आइडियल रेफ्रिजरेंट कहते हैं। ऐसी कोई गैस एग्जिस्ट नहीं करती है, बट ये एक कल्पना है या एक सोच है जिसके कंपैरिजन से हम कोई भी रेफ्रिजरेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक आइडियल रेफ्रिजरेंट की थर्मोडायनेमिक फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज आपके सामने देख पा रहे हैं इन प्रॉपर्टीज के तहत ही हम दूसरे रेफ्रिजरेंट का कंपैरिजन करते हैं और कोई एक अच्छे रेफ्रिजरेंट को सिलेक्ट करते हैं जिससे कि हमको एक रेफ्रिजरेंट में ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिल सके। तो ये आप कुछ इसमें आइडियल रेफ्रिजरेंट के जो पॉइंट्स हैं या ये कह लीजिए इनके कुछ जो गुण हैं थर्मोडायनेमिक फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ये आपके स्क्रीन पे हैं। इनको आगे अगली वीडियो या अगले पार्ट में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा जिसमें मैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा आपको रेफ्रिजरेंट के। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं डेजिग्नेशन सिस्टम फॉर रेफ्रिजरेंट यानी कि रेफ्रिजरेंट की जो नाम पद्धति है वो किस तरीके से होती है या रेफ्रिजरेंट का जो नाम होता है वो किस तरीके से रखा जाता है। रेफ्रिजरेंट की जो नाम पद्धति है वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स यानी कि ESRE द्वारा विकसित की गई है, यानी कि ESRE द्वारा ये नाम पद्धति डेवलप करी गई है। तो आपने देखा होगा रेफ्रिजरेंट में इंग्लिश का जो कैपिटल R है वो हर रेफ्रिजरेंट में होता है। ये R जो है वो डायरेक्टली रेफ्रिजरेंट को डिनोट करता है। तो जिस रेफ्रिजरेंट में दो डिजिट की नंबर होती है वो डिनोट करती है मेथेन बेस को, और जिसमें तीन डिजिट नंबर्स होती हैं वो डिनोट करती है इथेन बेस को। दो डिजिट की नंबर यानी कि R22 हो गई और वहीं तीन डिजिट की नंबर यानी कि R114। तो मीथेन बेस और इथेन बेस, मीथेन बेस होता है जिसमें कार्बन का एक एटम यानी कि एक परमाणु और हाइड्रोजन के चार परमाणु होते हैं, और वहीं इथेन बेस में कार्बन के दो परमाणु और हाइड्रोजन के छह परमाणु होते हैं। आगे चल के और डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा, तो चलिए और इसको क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट यानी कि रेफ्रिजरेंट का नामकरण किस पद्धति से किया जाता है या किस तरीके से रेफ्रिजरेंट के नाम रखे जाते हैं। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं पहले वो देख लेते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द न्यूमेरिकल सिंबल फॉर डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था मीथेन बेस और इथेन बेस, मीथेन बेस में एक कार्बन होता है और वहीं इथेन बेस में दो कार्बन्स होते हैं। तो कभी कभी इसका रिवर्स क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि आपको केमिकल फॉर्मूला दिया होगा और आपको न्यूमेरिकल सिंबल बनाना होता है, उसी का रिवर्स एक हो जाता है। जैसे कि आपको न्यूमेरिकल सिंबल दिया होगा और वहाँ पर आपको केमिकल फॉर्मूला निकालना होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द केमिकल फॉर्मूला फॉर रेफ्रिजरेंट R22। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द न्यूमेरिकल सिंबल फॉर डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बनते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट पे। तो चलिए इसको आगे देखेंगे कि किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है या किस तरीके से हम रेफ्रिजरेंट का नाम रखते हैं। तो रेफ्रिजरेंट के दो फॉर्म है, एक केमिकल फॉर्मूला है और दूसरा है आपका
न्यूमेरिकल सिंबल जो आप खासकर रेफ्रिजरेंट पे लिखा आप देखते होंगे, जैसे कि R12, R123, R114, तो इसे कहते हैं हम न्यूमेरिकल सिंबल। और दूसरा इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि R12 का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है डाइफ्लोरोमीथेन, वैसे ही R123 का है डाइक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथेन और R114 का है डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन। तो मैंने आपको पहले बताया था जहाँ 2 डिजिट होती है वो होता है मीथेन बेस, और जहाँ 3 डिजिट होती हैं वहाँ पर होता है इथेन बेस। इसके बगल में आप देख पा रहे हैं ये इसका स्ट्रक्चर है, जिस तरह की इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देखें एक कार्बन है, मीथेन बेस है इसलिए यहाँ पर एक कार्बन है जिसमें 2 क्लोरीन और 2 फ्लोरीन है। तो इस तरह के कुछ ये स्ट्रक्चर हैं जिसमें ये बॉन्डिंग बना रहा है। तो ये होते हैं हमारे न्यूमेरिकल सिंबल और इस साइड आपका ये केमिकल फॉर्मूला। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसकी किस तरीके से इसकी मेथड उठती है रेफ्रिजरेंट के नामकरण की। तो उससे पहले आपको एक IUPAC का जो टर्म होता है उसको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3 और टेट्रा का मतलब होता है 4, पेंटा का मतलब होता है 5। ये आगे चल के अभी आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आगे चल के आपको ये सारे टर्म्स देखने को मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एशरे अभी जैसे मैंने आपको बताया था जिन्होंने ये मेथड बनाई है रेफ्रिजरेंट के नाम रखने की, नोमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स नोन बाय द फॉलोइंग मेथड। तो सबसे पहले अब क्या करना है, जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया था, चाहे वो हाइड्रोकार्बन्स हो या आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रो ओलिफिन, कोई सी भी रेफ्रिजरेंट हो उसके अंदर 4 या 5 एलिमेंट मिलते ही मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कार्बन है C, H यहाँ पर हाइड्रोजन है, F यहाँ पर फ्लोरीन है और Cl यहाँ पर क्लोरीन है। तो ये जब 4 आपको ये एलिमेंट हर रेफ्रिजरेंट में मिलते ही मिलते हैं, तो सबसे पहले हमको इसके जो एटम्स हैं यानी कि जो परमाणु हैं उनका मान ज्ञात करना होता है, यानी कि उनका कितने परमाणु किस एलिमेंट में है ये निकालना होता है। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कार्बन के नीचे A लिखा हुआ है, A का मतलब है यहाँ पर एटम्स के कितने नंबर हैं। यहाँ पर ऐसे ही H के लिए B है, हाइड्रोजन के लिए B है, वैसे ही फ्लोरीन के लिए C और क्लोरीन के लिए D। तो नीचे आते हैं और देखते हैं A इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पर A किसको डिनोट करता है, कार्बन के एटम नंबर को, ऐसे ही B हाइड्रोजन के एटम नंबर को और C फ्लोरीन के एटम नंबर को और डी क्लोरीन के एटम नंबर को डिनोट करता है। तो जब हम इन दोनों सबकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्लोरीन के एटम नंबर, हाइड्रोजन के एटम नंबर, फ्लोरीन और क्लोरीन के एटम नंबर्स की जब वैल्यू निकल जाएगी, तब उसमें हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, उन सारी वैल्यूज़ को हम दूसरे फॉर्मूले में लगाते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, R, ये माइनस नहीं है ये डैश है, R ब्रैकेट के अंदर है A माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में है B प्लस 1 और उसके बाद है C। ये फॉर्मूला जब हम A B C D का वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके न्यूमेरिकल सिंबल याद करेंगे किसी भी रेफ्रिजरेंट का। तो चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये रहा इसका पहला एग्जांपल। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द न्यूमेरिकल सिंबल फॉर ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन। तो यहाँ पर मीथेन बेस है यानी कि कार्बन की एक संख्या होगी। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी में आंसर छुपा हुआ है, जैसे कि यहाँ लिखा है ट्राइक्लोरो, ट्राई का मतलब होता है 3, जैसे कि अभी मैंने IUPAC में आपको समझाया था, ट्राई का मतलब होता है 3, क्लोरो का मतलब होता है क्लोरीन, मोनो का मतलब है 1 और फ्लोरो का मतलब है फ्लोरीन। जहाँ मीथेन जैसे आपको पहले बताया था जो कार्बन है उसकी एक एटम की संख्या, यानी कि परमाणु मीथेन में कितना कार्बन होता है 1। तो यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, यहाँ एक कार्बन के साथ जो कार्बन की 4 वैलेंसी हैं उसमें 3 क्लोरीन है और 1 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये मीथेन बेस है क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है। तो स्टेप 1 क्या करना है, हमने ABCD यानी कि कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन की क्या एटम की नंबर निकालने हैं। तो यहाँ पर जो A है यानी कि कार्बन के जो एटम नंबर हैं वो 1 है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक कार्बन है क्योंकि ये मीथेन बेस है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद B आता है, B यहाँ पर 1 भी नहीं है यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 1 भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो चारों वैलेंसी हैं वहाँ पर 3 जगह पे तो क्लोरीन है और 1 जगह पे हमारा फ्लोरीन है, इसलिए हाइड्रोजन वहाँ पर कहीं नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 डला हुआ है। उसके बाद आता है C यानी कि फ्लोरीन की एटम संख्या कितनी है, फ्लोरीन की एटम संख्या 1 है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कार्बन की एक वैलेंसी या एक आर्म के साथ हमारा फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। उसके बाद आता है आपका D यानी कि क्लोरीन की एटम संख्या, यहाँ पर 3 है जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं 1 2 3, जहाँ कार्बन के 3
आर्म्स के साथ हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए डी इक्वल्स टू 3। तो जब इन सब की वैल्यू निकल जाती है, यानी कि ए बी सी डी, इनकी वैल्यू निकलने के बाद हम इसको सारे वैल्यूज़ को दूसरे फॉर्मूले में डाल देते हैं। जैसे कि ये है इसका दूसरा फॉर्मूला आर, ए माइनस वन, बी प्लस वन और सी, इसमें डाल देंगे। जितने भी ऊपर वैल्यूज आ रखी हैं उन सबको यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ पर ए कितना है हमारा, एक है। तो यहाँ पर पहले से माइनस वन था, वन माइनस वन, ओके। उसके बाद बी प्लस वन में हम बी, यहाँ पर जीरो है, आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं हाइड्रोजन की जो एटम की संख्या है वहाँ पर जीरो है। तो यहाँ पर जैसे हमने जीरो प्लस वन कर दिया, और यहाँ पर सी, सी आप ये देख पा रहे हैं एक है, यहाँ पर हमने सी रख दिया एक। तो इन सबको सॉल्व करते हैं, जैसे कि 1 माइनस वन इक्वल्स टू होता है 0, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा और 1 का 1 ही आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा R 0 1 1। तो 0 को यहाँ पर नहीं लिखते हैं, तो 0 को हटाने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो है R 1 1, यानी कि R 11। ये आ गया इसका न्यूमेरिकल सिंबल। तो ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन का न्यूमेरिकल सिंबल है R 11, यानी कि R 11 जो रेफ्रिजरेंट है उसका केमिकल फॉर्मूला है ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन। तो आई होप आपको यह एग्जांपल समझ में आया होगा। तो चलिए इसको एक बार रिवर्स करके देख लेते हैं, यानी कि R 11 का, अब R 11 को हम केमिकल फॉर्मूला निकाल के देखते हैं। जो R 11 अभी हमने न्यूमेरिकल सिंबल निकाला है, अब इसको रिवर्स करके यानी कि उसका केमिकल फॉर्मूला निकाल के देखते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 0 1 1, इसमें क्या होगा, जो आपने 0 रखा था ना उसको वापस रखना पड़ता है। यहाँ पर ज़रूरी है उस जीरो को यहाँ पर रखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, अब अगर ये राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो ये जो वन देख पा रहे हैं ये होता है फ्लोरीन की एटम संख्या। हर रेफ्रिजरेंट के जो न्यूमेरिकल सिंबल है सब में राइट हैंड साइड से आप जब देखेंगे तो ये होता है राइट हैंड साइड का फ्लोरीन एटम। फिर सेकेंड होता है हाइड्रोजन के एटम की संख्या। तीसरा जो आएगा अगर होगा ही वो, तो ये होगा कार्बन एटम, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है, जीरो के ऊपर मैंने वन प्लस लिखा है, यानी कि अगर यहाँ पर कोई भी डिजिट होगी वहाँ पर आपने वन प्लस कर देना है। उसके बाद हाइड्रोजन के ऊपर माइनस वन लिखा है, इसका मतलब है जो हाइड्रोजन का एटम यहाँ पर कुछ भी होगा, जैसे यहाँ पर वन है तो वहाँ उस पर आपको एक घटा देना है, यानी कि यहाँ पर जीरो हो जाएगा। आप वन में से वन माइनस करेंगे यानी कि जीरो हो जाएगा। चलिए आगे दिखा देता हूँ, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जीरो था पहले, हमने एक जोड़ दिया तो एक आ गया, और यहाँ पर क्या था हमारा, एक था, तो यहाँ पर अभी जीरो आ गया है। उसके बाद यहाँ पर एक है तो यहाँ पर एक आ गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो एक है, हाइड्रोजन के एटम जीरो है, फ्लोरीन के एटम एक है, क्लोरीन के एटम तीन है। अब वो कैसे तीन है, अब यहाँ पर तो मैंने कोई क्लोरीन की बात करी नहीं, तो उसके लिए आपको ये सिंबल देखना होगा। जब भी आप ये करें तो एक सिंबल साइड में ज़रूर बना लें। तो स्टार्टिंग में जैसे कि आप मैंने बताया प्लस वन, यानी कि कार्बन का एक एटम है, तो आप कार्बन का एक एटम लिख लेंगे। कार्बन की चार वैलेंसीज होती हैं, यानी कि चार बॉन्ड बनाता है वो, तो आप चार आर्म बना देने हैं उसके, और उसके बाद पुट कर लेना, उसके बाद आप डालेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पर जीरो है, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर कहीं पे भी नहीं आएगा। उसके बाद फ्लोरीन की एक संख्या है, तो आप मैंने यहाँ पर फ्लोरीन एक आर्म के साथ फ्लोरीन को लगा दिया है, यानी कि एक बॉन्ड बनाएगा कार्बन फ्लोरीन के साथ। उसके बाद जितने भी बचे हुए बॉन्ड्स होंगे यानी कि वैलेंसीज होंगी, वहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा। ये हर जगह के लिए है, हर रेफ्रिजरेंट के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से बनाइए आप, 1 2 3, यहाँ कितने हैं, 3 क्लोरीन है, यानी कि ट्राइक्लोरो, ओके। मोनोफ्लोरो, मोनोफ्लोरो मतलब एक फ्लोरीन है। उसके बाद मीथेन का मतलब होता है कार्बन की एक संख्या। तो ये बन गया इसका केमिकल फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बन गया इसका केमिकल फॉर्मूला। ये है इसका केमिकल सिंबल CCl3F, यानी कि ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, फाइंड द न्यूमेरिकल सिंबल फॉर डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन। डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन यानी कि C2Cl2F4। तो जैसे कि आपको पहले मैंने बताया था, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, तो आप जैसे ही इसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, डाइक्लोरो, डाई का मतलब दो होता है, आपको अभी आगे IUPAC में बताया था मैंने, डाई का मतलब दो होता है, क्लोरो का मतलब क्लोरीन है, टेट्रा का मतलब फोर था, फ्लोरो का मतलब था फ्लोरीन, इथेन का मतलब था यहाँ पर कार्बन के दो एटम है, मीथेन में एक होता है, इथेन बेस में दो कार्बन के एटम है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कि मैंने क्या बताया अभी, दो कार्बन है यहाँ पर, तो दो कार्बन बना दिया। अब जैसे कि चार वैलेंसीज होती हैं इसकी, तो एक तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन गया। उसके बाद इधर तीन बचे हैं, इधर तीन बचे हैं,
तो अब वहाँ पर हमको पुट करना है। तो यहाँ पर चार फ्लोरीन है, आप चार फ्लोरीन रख के देखिए, दो यहाँ रख दिए हैं, दो यहाँ रख दिए हैं, आप कहीं भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको देखना होगा कितने आम से बचे, एक ये बचा है और एक इधर बचा है, तो हमारे पास यहाँ पर दो क्लोरीन थे तो इसलिए यहाँ हमने दो क्लोरीन डाल दिए। तो ये पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन चुका है। तो ये तो एक सिंपल स्ट्रक्चर था। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप पुट करते हैं। इसमें हमें कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन के आइटम रखने हैं। तो ए इज इक्वल टू टू, जैसे कि यहाँ पर अभी आपको मैंने दिखाया दो कार्बन है, बी यहाँ पर जीरो है, आपको कहीं हाइड्रोजन नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, सी यहाँ पर चार है, यानी कि फ्लोरीन की संख्या कितनी है, चार है, डी यहाँ पर दो है, क्लोरीन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो है। आपने सबकी वैल्यू निकाल दी है, आपको उसको सेकेंड फॉर्मूला में रखना है। सेकेंड फॉर्मूला क्या है आपका, A-1, B+1 और C। ये किस लिए रखते हैं, इससे हमारा न्यूमेरिकल सिंबल निकल के आता है, ठीक है। A हमारा कितना था, यहाँ पर 2 है हमारा, ये देख पा रहे होंगे A 2 है, तो यहाँ पर A की जगह 2 रख दिया, यहाँ -1 था तो 2-1 यहाँ पर 1 आ गया। B कितना है, 0 है हमारा, तो यहाँ पर 0+1 किया तो 1 आया। C कितना था, यहाँ फ्लोरीन की बात हो रही है, C हमारा 4 है, तो हमने 4 रखा यहाँ पर, तो हमारे क्या आ गया, 114, यानी कि ये कौन सा रेफ्रिजरेंट है, R-114 डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन, कौन सी गैस है हमारी, R-114, ये इसका न्यूमेरिकल सिंबल है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको मैंने पहले भी समझाया। तो इस तरह की मेथड है। तो चलिए अब रिवर्स में देख लेते हैं, यानी कि R-114 को अब कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल फॉर्मूला में। तो यहाँ लिखा है मैंने R-114, तो फर्स्ट में जैसे कि आपको मैंने बताया था, ये फ्लोरीन के आइटम को डिनोट करता है, ये हाइड्रोजन के आइटम को डिनोट करता है, और वहीं ये कार्बन के एटम को डिनोट करता है। तो आपने यहाँ पर कार्बन वाले एटम पे +1 कर देना है, हाइड्रोजन के एटम पे -1 कर देना है, और जो फ्लोरीन का एटम है उसको वैसे के वैसे लिखना है। तो चलिए यहाँ हमने कर दिया है, ये 1 में हम जब +1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमने एक घटा दिया, जैसे 1-1 कर दिया तो 0 आ गया, 4 का 4 आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कार्बन की एटम संख्या है यानी कि 2, हाइड्रोजन की एटम संख्या 0 है, फ्लोरीन की एटम संख्या 4 है, क्लोरीन की एटम संख्या 2 है। तो इस तरीके का इसका फॉर्मूला बनता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कार्बन के 2 एटम्स हैं, ये आप देख पा रहे हैं, उसके बाद हाइड्रोजन एक भी नहीं है, और यहाँ पर है हमारा फ्लोरीन 4 हैं, 1, 2, 3, 4, उसके बाद क्लोरीन 2 हैं ये। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है डाइक्लोरो यानी कि डाइक्लोरी, 2 क्लोरीन की बात हो रही है, ये 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो, टेट्रा मतलब 4, 1, 2, 3, 4, टेट्राफ्लोरो यानी कि फ्लोरीन। इथेन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये इथेन बेस में 2 कार्बन होते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला बन गया है वो है डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन, C2Cl2F4। तो अभी ये जो मैंने दो एग्जांपल दिए आपको, R-114 और R-111, ये सैचुरेटेड कार्बन थे सबके। इसमें आप देख पा रहे होंगे सब में सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है और सारे जो वैलेंसीज हैं वो फुल हैं। तो ये किस टाइप के कंपाउंड हैं, ये हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो चलिए आपको अब बता देता हूँ अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के बारे में। अभी तक मैंने आपको समझाया था सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड यानी कि उसमें सिंगल बॉन्ड के साथ सारे कार्बन के साथ जितनी वैलेंसीज जुड़ी थी या जितने भी कंपाउंड जुड़े थे वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े थे, इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। इसी का एक एग्जांपल है एथिलीन, जिसमें कुछ नहीं, एक चेंजेस आएगा बस, यहाँ पर R के साथ 1 और जुड़ जाता है और पूरा का पूरा फॉर्मूला वैसा का वैसे ही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं R-1, A-1, B+1 और C पूरा सेम है, बस यहाँ पर एक 1 जुड़ जाता है, फॉर्मूला यही चेंज होता है बस, न्यूमेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए या सिंबल निकालने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बन की जो संख्या A=2 है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कार्बन यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, और वहीं B4 यानी कि हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 4 है, 1, 2, 3, 4, उसके बाद C0, D0 यानी कि फ्लोरीन और क्लोरीन एक भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0-0 डले हुए हैं। तो चलिए जल्दी से इसको फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर है R-1, A-1, B+1 और C। जैसे कि R-1 जुड़ा है, ये अनसैचुरेटेड के लिए है, और सैचुरेटेड के लिए 1 हट जाएगा और पूरा का पूरा फॉर्मूला वैसे का वैसा ही रहेगा। तो उसको पुट कर लेते हैं, R-1, 2-1, यहाँ पर कार्बन की जो संख्या थी, A यहाँ पर कार्बन है, कार्बन की एटम संख्या है, तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर देख पा रहे हैं A=2 है, तो 2-1=1 आता है, तो ये 1 आ चुका है यहाँ पर। उसके बाद B+1 यानी कि 4 आ जाएगा, B यहाँ पर 4 है यानी कि हाइड्रोजन की एटम संख्या है, यानी कि 4 आ गया, 4+1=5 आ जाएगा। C यहाँ पर 0 है, फ्लोरीन की जो संख्या है एटम वो 0 है, तो यहाँ पर ये निकल के आता है R-1150 न्यूमेरिकल फॉर्मूला कह लीजिए या सिंबल कह लीजिए, ये निकल के आ जाता है हमारा
एथिलीन का। तो ये था अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का एक एग्जांपल। कुछ चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पर एक वन जुड़ चुका है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे पहले मैंने आपको ऑर्गेनिक में सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बताया था। ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स जिसमें हमारा वाटर आता है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी रेफ्रिजरेंट्स आती हैं। तो इसमें 700 एक नंबर है या सीरीज कह लीजिए, इसमें मॉलिक्यूलर वेट जोड़ दिया जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 44, इसमें हम 700 को जोड़ देते हैं तो उसके बाद जो नंबर निकल के आता है 744, ये इसका न्यूमेरिक या न्यूमेरिकल सिंबल है। इसके बाद H2O, ये 18 है इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो इसमें 700 जोड़ने के बाद जो निकल के आता है वैल्यू वो 718 है, ये इसका न्यूमेरिकल सिंबल है। इसी की तरह NH3 यानी कि अमोनिया, R 717, ये इसका न्यूमेरिकल सिंबल है। तो कुछ इस तरीके से हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं, यानी कि नाम रखा जाता है किसी भी इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड का। इसमें ये कुछ थे, और भी अगर आप जानते हो तो आप भी उसी तरह उनका नाम रख सकते हैं या नामकरण कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स का नामकरण किस तरीके से किया जाता है। तो होमवर्क के लिए या आप कमेंट बॉक्स में जाके डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन की जो प्रोसेस है इसको आप न्यूमेरिकल सिंबल में कन्वर्ट करके देखिए, उसके बाद जो R12 है इसको वापस से केमिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करके देखिए, ऐसी ही डाइक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथेन है इसको कन्वर्ट करके देखिए, जिससे कि आपका जो डाउट है थोड़ा भी वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ये रेफ्रिजरेंट का पहला पार्ट है, तो इसके बाद भी 2-3 पार्ट आएंगे इस वीडियो के। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस का आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप वो वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं इसी रेफ्रिजरेंट के अगले पार्ट में।